नहीं, अस्सलाम वालेकुम शेख कोट में आप सबका वेलकम। आज हम बनाने बनाने जा रहे हैं कोफ्ते अंडे। सबसे पहले हमने एक प्याज लिया बड़े साइज का, उसको काट लिया और उसको प्रेशर में डाल दिया। अब हमने एक टमाटर लिया और चार सब्ज मिर्ची लिया, उसको भी प्रेशर में डाल दिया। लहसुन अदरक का हमने पेस्ट डाल दिया। 2 कप इसमें अब हम पानी के शामिल करेंगे और इनको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। अब इसमें हम मसाले शामिल कर देंगे। सबसे पहले 1 चम्मच हम इसमें नमक का डालेंगे, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। इनको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और इनको 5 मिनट के लिए हम प्रेशर दे देंगे। आपके कोफ्ते टूट क्यों जाते हैं, खुल जाते हैं, इस रेसिपी में आपको तमाम सवालों का जवाब मिल जाएगा। आपने हमारी रेसिपी को फॉलो करना है। अगर आप हमारी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपके कोफ्ते भी नहीं टूटेंगे। इसको हम प्रेशर दे देंगे 5 मिनट के लिए। गुजर चुके हैं और आधा पानी सूख चुका है। अब इसमें हम कोफ्ते शामिल कर देंगे। इनको ना चम्मच की मदद से हिलाना नहीं है, इनको प्रेशर से हिलाना है। अगर हम इसके अंदर चम्मच मारेंगे तो कोफ्ते टूट जाएंगे। अब इसमें 2 बड़े चम्मच घी के शामिल कर देंगे। घी शामिल हो चुके हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। चम्मच नहीं मारना कोफ्ता में ना, प्रेशर की मुठ के ज़रिए इसको हिलाना है। अगर हम इसमें चम्मच मारेंगे तो कोफ्ते टूट जाएंगे। अब इसमें हम सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे। सब्ज़ मिर्चें इसमें शामिल हो चुकी हैं, इसको साथ साथ हिलाते रहेंगे। हमने पहले से ही बॉईल कर लिए हैं, आप भी पहले से ही बॉईल कर लें अंडों को। सारा पानी सूख जाएगा, फिर हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। बिल्कुल सादा मसालों से तैयार कोफ्ते। अगर आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, जितनी देखने में मज़ेदार उतनी खाने में मज़ेदार। पानी सूख चुका है और इसमें अब घी निकलना शुरू हो गया। अब इसमें हम 1 चम्मच दही का शामिल कर देंगे, साथ ही इसके हम पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर देंगे, जिसको अब हम चम्मच की मदद से हिलाएंगे। इसको हम चम्मच की मदद से अभी हिलाएंगे और इसकी अच्छी तरह से हम भुनाई कर लेंगे। भुनाई मुकम्मल हो चुकी है, अब इसको हम एक प्लेट में उतार लेंगे।